सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान टेक सीरीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप टाटा स्काई का सेटअप बॉक्स यूज करते हैं, टाटा स्काई का डीटीएच यूज करते हैं, तो आप अपने टाटा स्काई को चैनल को कैसे मॉडिफाई करने हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल जो आपको देखना पसंद नहीं हो रहा है और जो ऐसे चैनल है जिसको आप देखना पसंद करते हैं जो आपके टीवी स्क्रीन में नहीं आता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि घर बैठे आपको अपने चैनल को मॉडिफाई कैसे करना है। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जाना है अपने फ़ोन के एप्लीकेशन में। यहाँ पर आपको सर्च करना है टाटा स्काई। यहाँ पर टाटा स्काई जैसे ही आप एप्लीकेशन सर्च करेंगे, यहाँ पर टाटा स्काई का एप्लीकेशन आ चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली से इसको एप्लीकेशन को कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर आप ओपन में क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने जैसे ही ओपन में क्लिक कर दिया, देख सकते हैं यहाँ पर टाटा स्काई का लोगो आ चुका है। ये टाटा स्काई का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको टर्म एंड यूज टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, आपको नीचे जाना है। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट में क्लिक करना है। जैसे आप एक्सेप्ट में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहा है, एक्सपीरियंस यहाँ पर सारे चैनल आ चुके हैं। आपको यहाँ नीचे नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपको टिक का निशान में क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप टाटा स्काई के एप्लीकेशन में ओपन हो चुके हैं। अब आपको करने क्या, ऊपर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में लिखा है लॉगिन, तो आपको सिंपली से लॉगिन में क्लिक करना है। यहाँ पर मैं लॉगिन में क्लिक करने के बाद सिंपली आपको अलाउ करना है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं दो ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर लिखा रहा है टाटा स्काई आईडी या नीचे लिखा है मोबाइल नंबर। तो आपको ये टाटा स्काई आईडी कैसे मिलेगी, ये आपको टीवी स्क्रीन में जाना है और टीवी के रिमोट से येलो कलर की बटन दबानी है, वहाँ पर आपकी टाटा स्काई की आईडी मिल जाएगी। अगर आप टीवी ऑन नहीं करना चाहते तो आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर वो डाला जो आप टाटा स्काई परचेज करते टाइम आपने जो नंबर ऐड किया था वही नंबर आपको डाला। यहाँ पर मैं अपनी टाटा स्काई की आईडी फटाफट से इंटर कर देता हूँ। टाटा स्काई की आईडी फिल करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू में क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। और वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखा रहा है इंटर वन टाइम पासवर्ड सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यू कैन ऑल्सो लॉग इन थ्रू योर टाटा स्काई पासवर्ड। यहाँ पर अपने टाटा स्काई को पासवर्ड यहाँ पर डालना, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भेजा गया है। यहाँ पर मैं अपने टाटा स्काई का पासवर्ड डालने के बाद नीचे आपको सिंपली जाके कंटिन्यू में क्लिक करना है। यहाँ पर मैं जैसे आप पासवर्ड को डाल देंगे, कंटिन्यू में क्लिक करेंगे, तो आप अपने टाटा स्काई के एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपकी लैंग्वेज मांग रहा है, यहाँ पर आप हिंदी इंग्लिश चूज करके सिंपली फिर डन कर देंगे। यहाँ पर मैंने डन करने के बाद देख सकते हैं कि आप जो टाटा स्काई के एप्लीकेशन में आप लॉगिन होने के बाद ऊपर यहाँ पर एक आइकॉन शो हो रहा होगा, लिखा है मैनेज योर अकाउंट एंड प्रोफाइल हियर। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दो बार टैप करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर आपका नाम आ चुका है, आपका जितना भी बैलेंस है वो भी आ चुका है, एक्सपायरी डेट आ चुकी है। अब आपको यहाँ पर लिखा है माई टाटा स्काई, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आपका नाम आ चुका है, आपकी सब्सक्राइबर आईडी, आपका बैलेंस, आपका एक्सपायरी डेट। अब यहाँ पर लिखा देखिए रिचार्ज मैनेज पैक्स अदर गेट कनेक्शन माई अकाउंट। आपको सिंपली जाके मैनेज पैक्स में क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने मैनेज पैक्स में क्लिक कर दिया है। मैनेज पैक में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना होगा। वेट करने के बाद देखते हैं यहाँ पर आपका जो पेज है वो नया ओपन हो चुके आ रहा है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है या फिर टाटा स्काई की नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो जाता है, इससे थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग सकता है। यहाँ पर यह ना सोचें कि टाइम लग रहा है तो आपका एप्लीकेशन ख़राब है या फिर मैनेज पैक नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ आप नेगेटिव सेंस मत लाइए। यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या रहा है, हाई डियर सब्सक्राइबर आईडी, आपका बैलेंस। अब यहाँ पर नीचे आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है मॉडिफाई पैक का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे आप मॉडिफाई पैक में क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख क्लिक किया रहा है मॉडिफाई योर पैक एंड चैनल्स। अब आपको नीचे आना है, यहाँ पर आप सी मोर में क्लिक करेंगे। सी मोर में क्लिक करने के बाद जो भी आपने अपने चैनल ऐड करके रखे हैं सारे चैनल आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर जो भी चैनल आपके आ रहे हैं यहाँ पर हो जाएंगे। जो भी चैनल आपको हटाना है यहाँ पर टिक मार्क करेंगे, यहाँ पर अनटिक आपको कर देना है। जो भी चैनल आपको नहीं देखना है यहाँ पर आप अनटिक उसको कर सकते हैं, अगर देखना है तो आप दोबारा से टिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर चैनल कैसे ऐड करना है इसके लिए आपको नीचे जाना है। यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन मिलेंगे, टाटा स्काई पैक, ब्रॉडकास्ट पैक, चैनल पैक, टाटा स्काई सर्विस। आपको चैनल में क्लिक करना है। अब चैनल में क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको ऊपर जाना, यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी म्यूज़िक नॉलेज, यहाँ पर स्पोर्ट अदर किड्स, इंग्लिश न्यूज़ स्पोर्ट, हिंदी न्यूज़ बंगाली, हिंदी म्यूज़िक एंड हिंदी मूवी, इंग्लिश मूवी, इंडियन रिलेटेड में सारी चीज़ यहाँ पर आ चुकी हैं। अब यहाँ पर जो जो चैनल आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी चैनल आपको देखने हैं, जो जो चैनल देखने हैं वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे ये चैनल पसंद है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करूँगा। इसके बाद आप जैसे ही चैनल को सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको जाना है, यहाँ पर सेलेक्ट एंड प्रोसीड में क्लिक करना है।
जैसे आप सेलेक्ट एंड प्रोफाइल में क्लिक करेंगे, जितने भी आपने चैनल आपने ऐड किए हैं या फिर रिमूव किए हैं, सारे चैनल आपके सामने यहाँ पर आपके इस मोबाइल की स्क्रीन में शो होंगे। यहाँ पर मैंने जैसे ही सिलेक्ट एंड प्रोसीड में क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, 10 से 5 सेकंड का वेट करना है। वेट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर आपका लिखा आ रहा है, लिख के ऊपर आ रहा है योर प्राइमरी बॉक्स टीवी समरी इज व्यू और सिलेक्शन। यहाँ पर देखिए आपका बैलेंस आ जाएगा, कितना आपने जितने भी चैनल ऐड करे होंगे सारे ग्रांड टोटल यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो भी चैनल आपने ऐड किए हैं सारे चैनल यहाँ पर भी आ जाएंगे। इसके बाद आपको सिंपली आपको जाके कन्फर्म में क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म में क्लिक करेंगे आपके 10 सेकंड के बाद आपके सारे चैनल आपके टीवी स्क्रीन में शो हो जाएंगे जो भी आपने चैनल ऐड किए हैं। तो फ्रेंड ऐसे ही आपको मॉडिफाई करना अपने टाटा स्काई सेटअप बॉक्स को। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि आने वाले वीडियो बहुत ही कमाल के होने वाले हैं। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।